सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और आपका स्वागत है एक और नई आग सर्वाइवल इवोल्ड के एपिसोड में। तो गाइस, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कह दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। और जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं गाइस। तो आज गाइस हम केव करने वाले हैं, वो भी हंटर वाले केव। ठीक है, मुझे पता है ज़्यादा खतरनाक केव नहीं है, लेकिन इतनी भी मतलब मीडियम डिफिकल्टी में ये केव ठीक है हमारे लिए, हमारे डाइवर्स इतने भी हाई लेवल के नहीं है। तो चलो चलते हैं। और हैरी और मिथिक्स भाई का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चलो चेकआउट कर लेना। और जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को, एम रखते हैं इस बार थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, इस बार थोड़ा रखते 80 लाइक्स का। तो चलो यार कर दो कंप्लीट, आपको कुछ तबाही सा गिफ्ट मिलने वाला है, तो फटाफट कर दो। और हम 800 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जो भी नए दिख रहे हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। और चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक या फिर एपिसोड आप कह सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन कर लो। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैं नाम दे रहा हूँ इसका, तो भाई साहब अच्छी नाम सजेस्ट करने के लिए थैंक यू फेरॉक्स, मेरे को बहुत अच्छा नाम लगा क्योंकि ये किसी प्राइमल फियर का एक डायनासोर है उससे मिलता जुलता है, तो ये मेरे को बहुत सही नाम लगा। तो थैंक यू भाई इतना नेम अच्छा सजेस्ट करने के लिए, ऐसा नाम सजेस्ट करते रहो यार। और अगर सोलो के भी एपिसोड जल्दी आएंगे, ठीक है अभी चलो फिर करते हैं कि उस साइड में है केव और हमको जाना पड़ेगा उस साइड। उससे पहले थोड़ा सा हम थोड़ा तैयारी कर लेते केव के लिए, थोड़ा सा हम खाना वाना बग रिप्लेन ले लेते। ठीक है हैरी भाई, वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे, तो चलो चलते हैं गाइस फटाफट और करते। फिर ये देखो यहाँ पे तीनों के तीन डायलॉग, इसका नाम फायरफॉक्स है, उसका नाम साइमन है। ठीक है, तो अच्छे नाम है सबके, तो थैंक यू फॉर बताने के लिए नाम इतने अच्छे अच्छे नाम आपको अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यार अभी थोड़ा सा कर लेते हैं पंचायत। ठीक है, तो गाइस हम यार भाई वैसे कुछ सवाल जवाब किए जा रहे थे, तो चलो और पता नहीं गुस्से में यार बोल देते, तो धमकी मैं अमित किसको देता हूँ, तो मारता देखो किसको है यार। मतलब क्या है, और बाद में मेरे को मारता है। मतलब पागलपंथी की एक सीमा होती जो कि यही चीनी। ठीक है, तो चलो गाइस फटाफट चलते और करते हंटर आर्टिफैक्ट केव। ठीक है, तो ये देखो हैरी भाई खुश किया है। ठीक है, तो सवाल जवाब खत्म हो गए और मैं एकदम मजा आता है मल्टीप्लेयर खेलने के लिए, तो आपके साथ मैं जल्दी खेलूंगा गाइस, जल्दी खेलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर चलते हंटर आर्टिफैक्ट करने। ठीक है, और चलो अभी डायरेक्ट को उठा के लेके जाते हैं। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं क्यू के, हम बाहर खड़े और ये देखो यार पैटर्न को मारे बेचारे को, मतलब क्या ही है। फिर चलो गाइस चलते हैं क्यू के अंदर। यार लैग तो खतरनाक होगा और अपने को डंग बीटल भी टेम करना है, तो फर्टिलाइजर के लिए तो चाहिए तो होगा। चलो फिर करते टेम और ये सब सामान ड्रॉप करो क्योंकि फुकर का मेरे को सामान चाहिए नहीं इसके इन्वेंट्री में, वैसे भी भाई का वेट बहुत कम है। तो चलो चलते डंजन में नहीं केव में। ठीक है, और गाइस मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरा एपिसोड पूरा लास्ट शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना गाइस, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो फिर चलते गाइस केव में। और भाई अरे भाई ये हेलमेट यार आपने लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो लेना है भूल गया भाई हेलमेट। चलो जान तो कुछ कोई बात नहीं गाइस, हेलमेट क्या हुआ, हेलमेट नहीं हुआ तो। और ये भी देखो सामान ड्रॉप कर रहे हैं अपना फुकट का सामान। चलो फिर भैया मिथिक्स भाई लेवल अप बाद में कर लेना। चलो यार फटाफट चलते केव में, यार केव करके आते फटाफट, तो क्या कर रहे टाइम पास ना करो यार, चलो फटाफट चलो अंदर यार। तो गाइस चलो यार घुस चुके हम केव के अंदर। भाई साहब लैग तगड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट जंप नहीं मारना चाहूँगा क्योंकि मुझे सच में यार ग्रेम क्रैश हो जाएगा तो क्या ही मजा आएगा रिकॉर्डिंग का। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए। ओ भाई साहब तगड़ा लैग, ओ भाई देख रहे हो FPS 2 या 3 दे रहा था। चलो गाइस चल लेते केव के अंदर। अभी भाई साहब अभी मल्टीप्लेयर में ये केव मैं पहली बार कर रहा हूँ अभी, और मीडियम डिफिकल्टी, और यहाँ पे हैरी भाई का गेम हो जाता है क्रैश। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनके लिए बिकॉज उनका गेम क्रैश हो जाता है, और मिथिक्स थोड़ा सा आगे चला जाता है मिथिक्स, तो उनको आने देते हैं ऑनलाइन और चलते फिर केव करते। ठीक है, चलो फिर तो गाइस हैरी आ जाता है ऑनलाइन, तो चलो फिर करते हैं केव को एक्सप्लोर। तो गाइस आज डर तो लग रहा है क्योंकि केव थोड़ी सी खतरनाक है और मीडियम डिफिकल्टी पे है, तो थोड़ा सा डर तो लगा रहेगा क्योंकि थोड़े से हाई लेवल्स के डायनो आएंगे, और मुझे सबसे डर लगता है भाई आर्थो से क्योंकि यार वो क्रीपी दिखती है, ऊपर से डैमेज अच्छा खासा करती है, ऊपर से वो आर्मर ब्रेक कर देती है ना, तो उस पर इतना गुस्सा आता है मेरे को यार क्या बोलो। तो चलो यार करते कंटिन्यू केव को। अभी हम जा रहे हैं केव के अंदर, अभी अपने को सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट मारना है। ठीक है, और ये राइट में जा रहा था, मैं बोला भाई राइट में नहीं जाना, लेफ्ट में जाना है। चलो चलते केव के अंदर। और लैग तो देखो क्या तगड़ा मार रहा है भाई, ओ भाई साहब कितना लैग, ऐसा तो भाई क्या घंटा होने वाली है।
चलो ट्राई करेंगे आपके लिए, जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखो स्पाइडर वाइडर आना शुरू हो गए गाइस। स्कॉर्पियन देखिए 11 लेवल का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनको मार लेते फटाफट। ओ भाई साहब क्या के हो भाई, ओश भाई साहब क्या है यार। देखो यार नहीं, इसको मार देते फटाफट, क्योंकि यार ये लोग बहुत परेशान करते हैं। अच्छा आर्थो नहीं है भाई, यहाँ पे आर्थो से बहुत डर लगता है भाई। कहाँ मर गया भाई हैरी फिर से? यार हैरी के क्या प्रॉब्लम है, कहाँ चले जाता है बार बार। चलो लेवल अप कर लेता हूँ मैं फिलहाल के, थोड़ा सा मिड डैमेज पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे को मिड डैमेज ही हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 1000-2000 जितनी तो है, लेकिन अच्छी है ठीक है हेल्थ। और ये भाई हैरी भाई खो गए पीछे की साइड, तो उनको ढूंढ के हम लाते फिलहाल के फटाफट ठीक है। और डंग बिटल भी टेम करें तो वो भी ढूंढेंगे हम फिलहाल ठीक है। तो सबसे पहले तो हैरी को ढूंढते हैं। यार तो हैरी भाई यहाँ पे खड़े थे, बोल रहे थे यहाँ से जंप मारते और ये चलते। भाई मैं बोला यार डायरेक्ट जाओगे यहाँ से तो मर नहीं जाओगे बीच में झुंड में गिर के? तो भाई थोड़ा डर तो लगता है यहाँ से कूदने में, क्योंकि वहाँ पे कितने सारे सांप पहले से ही, गाँव बिसा गाँव का पूरा गाँव बसा होता है। तो हैरी भाई को बोला भाई वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा होता है। तो चलो फटाफट के हो जाते हैं भाई। इतना लैग है ना, ज़िंदगी में नहीं मारता मेरा, पता नहीं के ओ में काहे मारता है। और भाई सर्वर पे खेलेगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि सर्वर एक तो है आप लैग, ऊपर से इतने बंदे ज्वाइंट होते हो। मैं यहाँ पे पैक बूस्ट दे दिया, क्योंकि सामने मेरे को आर्थो बार्थो दिख रहे, थोड़ा फीलिंग वीलिंग आ रही थी। चलो मारते हैं उनको सबको। ओ भाई कितने सारे भाई, ओ भाई साहब अबे झुंड है पे पूरा। ओ भाई कितने भाई, शिट। ओ भाई ये आर्थो, अबे यार इसी का तो डर था गाइस। ये देखो यार मरती नहीं तो जल्दी से। और भाई साहब एक है ना, दो तीन ही होनी चाहिए। ये क्या है, ये क्यों है यार? ऊपर से ट्राइब बूस्ट था तो इसलिए हम जब बच गए। अब सांप देखो कितने सांप है, ओ भाई साहब अब कितने सारे सांप है। ओ भाई कितने सांप है भाई, भैया 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 ओ भैया ओ भैया। चलो गाइस ये तो खुले हो चुके गाइस। चलो अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते। और भाई साहब मिथिक एक्स फिर से गलत घुस जाता है, और वो भी शॉर्ट कर लेने की ट्राई करता है, क्योंकि उसको सीधा आर्टिफैक्ट तक पहुँचना था। मैं इसलिए उसको बोलता भाई वहाँ कहाँ जा रहा है भाई तू, आर्टिफैक्ट तक दूसरा रास्ता है ना पहुँचने का, तो वहीं से जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आर्टिफैक्ट लेके क्या करेंगे? चलो फिर गाइस वहाँ पे चलते और आर्टिफैक्ट लेते हैं ठीक है। आर्टिफैक्ट लेंगे, चलो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा देर खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो वो हमको हेल्प को बुलाते, तो हम जाते हेल्प करने के लिए उसकी। कितने बिच्छू है भाई साहब, बिच्छू ही बिच्छू। देख रहे हो साइमन का लेवल अप आ चुका है, लेकिन वो कर नहीं रहा है हैरी, क्योंकि वो हैरी पागल है ठीक है, करता नहीं लेवल अप। तो मिथिक एक्स को बोला भाई वहाँ से चलते, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। तो मेरे सामान बहुत सारा था यार, क्यों क्यों मिलता है यार सामान, पता नहीं चलता यार। भाई साहब कितना सारा सामान है यार, थोड़ा सा मीट ले लेते गाइज और बाद में सब कुछ ड्रॉप कर देंगे फटाफट। ओ भाई, और थोड़ा फोर्स स्पीड भी कर देते थोड़ा, क्योंकि इनका हेल्थ थोड़ा बचा रहे और मेरे को हेल्थ खोना नहीं इसके ठीक है। चीटिन चिटिन रखते हैं ठीक है। ओ भाई कितनी पेटी भाई, ओ भाई साहब पेटी पेटी। लेवल अप आ गया, लेवल अप कर देते हैं, मिली डैमेज में जाएंगे, क्योंकि हेल्थ बता चुका हूँ हेल्थ अपनी बहुत है। हाँ जी भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े रह के? चलो अब चलते गाइस। हेलो गाइस, देखो अपने गाइस पगला गए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। चलो चलते भैया आओ ना, क्या हुआ पगला गए हो का? गाइस ये देखो आ नहीं रहे, क्या हुआ भाई इनको, क्या हो गया? तो चलो गाइस चलते, ये लोग फिर से आ चुके वापस, पता नहीं इनको क्या हो गया था, दिमाग सटी आ गया था फिर क्या हो गया था मुझे नहीं पता ठीक है। तो चलते फिलहाल के लिए। हेलो चलो चलो मिथिक्स क्या कर रहा है, क्या लूट रहा है? ये देखो कितना लूट रहा है भाई, एक एक आइटम चेक करेगा भाई। वहाँ से कहाँ जाएंगे, उधर से नहीं जाना भाई आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने के लिए। भाई कितने बिच्छू है भाई, देख रहे हो तुम? तो गाइस यार ये मिथिक एक्स नीचे से ट्राई करता है, लेकिन हम उसको नहीं बोलते, क्योंकि यार वहाँ पे डायरेक्टली जाके क्या फ़ायदा। तो चलो चलते यहाँ से, तो यहाँ पे कहीं डंग बीटल मिल जाते थोड़े बहुत। स्कॉर्पियन भी आ गई, इसकी कमी थी भाई। तू कहाँ मर गया था भाई उस दिन? हैरी तेरे को नहीं मार रहा मैं, इसको मार रहा हूँ आर्नियो को। यार ये बहुत दिक्कत करता है, और यार जब भी यार मतलब क्या है भाई, देखो फिर से आ गई, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं भाई ये लोंडे लौंडे लौंडिया भाई। 115 लेवल के आर्नी हो भाई साहब। तो गाइस मुझे आर्थो टीम करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थो टीम करने के लिए मुझे केओ में आपसे कमेंट आया कि भाई साहब
आर्थर को केव में टेम करना पड़ता है। अगर आप केव में नहीं टेम करते हो तो यार बाहर उसको, बाद में उसको आप केव में लेके जाते हो ना, तो फिर वो आप सब सब उसको मारते, ठीक है। तो यानी खोपड़ी में बाज तो घुस गई यार मेरे को, तो इसलिए उसके लिए मेरे को वो केव में जाना पड़ेगा आर्टिफैक्ट क्लेवर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्थोस मिलते हैं और मुझे, हाँ वहाँ तब वहाँ वहीं पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा आर्थोस। तो चलो, अरे यार भाई क्या बकने भी नहीं देते भाई कुछ ये लोग। और वहाँ पे देखो डंग बीटल है, उसको मारना नहीं है, ठीक है, उसको हमें टेम करना है क्योंकि हमको फर्टिलाइज़र चाहिए। और चलो वही, तो चलो आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट करते हैं, अभी आर्टिफैक्ट तक जाते हैं। भाई कितना लैग। और गाइस इस गली में ना, ये जो गली दिख रही है जहाँ पे मैं अटक गया हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही जानवर घुस सकता है, वो है या फिर अपन, मतलब अपना कैरेक्टर, या फिर ये डायलूथ के साथ। पता नहीं सेबर टूथ और बैरियोनेक्स पता नहीं क्यों क्यों नहीं घुस सकते, आई डोंट नो यार। सेबर टूथ तो इससे पतला है तो काहे नहीं घुसता भाई, मेरे को समझ में आता कभी कभी इन लोगों का क्या लॉजिक है। तो गाइस सामने देख सकते हो आप आर्टिफैक्ट है, और हम पहुँच चुके हैं आर्टिफैक्ट के पास है, और यहाँ पे भाई साहब मेरे को कुछ अजीब दिख रहा है। ओ भाई एडमिन ने यहाँ पे जनरेटर लगा दिया है भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई क्या है भाई ये। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे जनरेटर वनरेटर लगा दिया, मैं पेटी खोल दिया क्योंकि डेवलप के लिए डायलॉग्स के लिए। तो चलो ये भैया कितना लैग, और इसका देख रहे हो स्टैट्स। और गाइस ले लेते आर्टिफैक्ट फटाफट, सबसे पहले मैं आर्टिफैक्ट लेता हूँ, बाद में मिथिक लेगा, बाद में हैरी लेगा। तो चलो फटाफट आर्टिफैक्ट को फिर से स्पॉन होने देते, तब तक मिलते थोड़ी देर में। और यहाँ पे देख रहे हो एरी टरेट लगा के घूम रहा है, देखो ये भाई साहब क्या क्या है भाई, ओ बाप रे बाप। और गाइस एक और आर्टिफैक्ट स्पॉन हो चुका है जो कि मिथिक एक्स लेने वाला है, ठीक है, ले ले भाई फटाफट ले ले और निकलते भाई यहाँ से। और एक और हो गया है स्पॉन जो कि हैरी लेने वाला है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। चलो गाइस चलते और केव को करते यहीं पे क्लोज, और अपने को डंग बीटल भी टेम करने। और भाई मेरे पास है ना टॉर्च ख़त्म हो गई थी, मतलब ख़त्म नहीं भाई, मैं भूल गया था टॉर्च लगाना, और मैं से जा रहा था और बाद में मेरे को याद आ गया तो मैंने लगा ली टॉर्च। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ तो भी लैग होता है, पता नहीं कैसे निकलते यहाँ से उस जगह पे। और ये भाई स्कॉर्पियन आ जा भाई, तेरी कमी थी, आ जा भाई साहब। ही पता नहीं ये लोग क्यों है यार, किस लिए है यहाँ पे, मार तो दिया, अभी कितना स्पॉन हो गए तुम लोग। अभी भाई हैरी भाई को बोला कि उसको नहीं मारना है, और मिथिक को भी बोला कि उसको नहीं मारना है, उसको लग गया तो भाई सारे भड़क जाएंगे अपने पे, भड़क मतलब जाएंगे उनकी प्रजाति अपने को मारने के लिए तुल जाएगी, पता है, मतलब बूंद बूंद तरसा के मारेगी उसकी प्रजाति, ठीक है। चलो गाइस इसको टेम कर लेते हैं फटाफट, और फिर चलते हैं, यहाँ पे दो है तो दो लेके जाएंगे, और उस साइड एक तीन है तो वो हम तीनों के लिए तीन टेम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तीन है, उससे थोड़ी राइड थोड़ी दुनिया थोड़ी घूमनी है भाई, उस पर बैठ के बस फर्टिलाइजर चाहिए, तो जितने हो सके उतने टेम करके जाएंगे यहाँ से और लेके जाएंगे हाथ में पकड़ के फिर। चलो गाइस अभी इनको टेम कर लेते डंग बीटल को, और आपको नहीं पता तो ये फर्टिलाइजर और ऑयल देते हैं इनके अंदर, आप टट्टी डाल दो। चलो फिर टेम करते हैं और मिलते थोड़ी देर के बाद। तो गाइस टेम हो चुके हैं ये डंग बीटल, और देख रहे हो हाथ में पकड़, और अब केव के बाहर निकलने ही वाले, ठीक है। तो गाइस केव के बाहर हम निकल चुके हैं, और भाई साहब केव एक्सप्रेशन बहुत मस्त रहा, एकदम मतलब औसम रहा, औसम, देखो ये मेरी भाषा है कोई कॉपी नहीं करेगा, औसम रहा है केव। और भाई साहब चलो अभी इस महाशय को लेके जाएंगे, ठीक है, ये महाशय इसको हमने पकड़ने के लिए केव किया। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बेस के पास और मिलते हैं थोड़ी देर में। आई डोंट नो हैरी भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या गद्दे फूक रहे, पन्नी फूक रहे। तो गाइस आ चुके क्यों क्यों के पास नहीं, आ चुके घर के पास, और यहाँ पे डंग बीटल को छोड़ देंगे मैं एनेबल वॉन्डरिंग में, और इनके स्टोरेज में टट्टी डाल देंगे इन्वेंट्री में, और इनको एनेबल वॉन्डरिंग पे रख देंगे ताकि ये हमें फर्टिलाइजर दे और ऑयल दे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोटिवेशन पर्पस, और गाइस कर दो सब्सक्राइब यार, 1K के हम करीब है यार, जल्दी कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, चलो फटाफट कर दो गाइस। और चलो गाइस यहाँ पे लेवल अप आ चुका है इनका जो स्टोरेज बना देना, क्योंकि अगर स्टोरेज ही नहीं रहेगा तो ये उठाएंगे क्या, ठीक है। तो बस वही उसी के लिए हम इनका सिर्फ वेट ही बढ़ाते और कुछ नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो गाइस अपनी अभी अपने को आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट भी करना है, तो चलो ट्रिब्यूट करने जाते हैं, और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ, देखो उल्टा नाम मत समझना, उल्टा मत समझना, इसका नाम मैं रखने वाला हूँ नुन्नू। आप बोलना मत नुन्नू क्या है, तो देखे हैरी का डंग बीटल का नाम है बूबू, मिथिकेक्स का है सुसु, और भाई मेरा नुन्नू, तो आप समझ सकते हो फनी नेम है। और गाइस हम आ चुके हैं रेड ऑब्लिक के पास और करेंगे ट्रिब्यूट, तो चलो गाइस करते हैं ट्रिब्यूट और एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूट करते, चलो। ओ भाई साहब क्या साउंड है ना, ये साउंड को सुन के एक अलग सी फीलिंग आती है भाई, बहुत खतरनाक सी। और क्या दिया भाई, हेलो भाई कुछ दिया ही नहीं भाई, मिथिकेक्स को भी कुछ नहीं दिया, मेरे को भी कुछ नहीं दिया, ये पगला गया क्या ओब्लिक भाई, ओब्लिक पगला गया है बे,
अबे यार ये तो चीटिंग है बे यार, कुछ नहीं दिया। एक सेकंड। अबे ये कौन देता है भाई? और ब्लूप्रिंट भाई, हैचेट नहीं चाहिए यार। गाइस देखो, हंटर आर्टिफैक्ट मत करो, रेन दो टट्टी चीज मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। और अपने हरी भाई को एक मस्त चीज आइटम मिली, वो है अंबर और ये शील्ड। अंबर पता है कितने? 9, बस 9। और ये शील्ड मिली है, उड़न की शील्ड जो कि टट्टी है। तो गाइस बस आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा होगा तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड। और ये देख रहे हो क्या कर रहा है यार मिथिक एक्स, क्या है ये? तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना और डिस्कॉर्ड जब ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे एट होम, बी अवेयर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस।